एक मिनट, तो आपको भ्रामक दावे सिर्फ बाबा रामदेव को दिखते हैं? आपको भ्रामक दावे समाज में और कहीं नहीं दिख रहे हैं? कोई कंपनी नहीं कर रही है भ्रामक दावे? एक एनर्जी ड्रिंक के नाम पे आप बेच रहे हो कि उसको पीने के बाद डर के आगे जीत है, उसके बाद एक आदमी मोटरसाइकिल उठाता है और वो बिल्डिंगों के ऊपर स्टंट्स कर रहा है, ये भ्रामक दावा नहीं है कि ये एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद आप स्टंटमैन बन जाएंगे? एक क्रीम है फेयर एंड लवली, वो दावा करती है कि 14 दिन में गोरे हो जाओगे आप। कितनों को गोरा बना दिया उसने, पूरा हिंदुस्तान गोरा हो जाना चाहिए था फिर तो। मैं ये कह रहा हूं कि आप समझ नहीं रहे इस बात को। योग और आयुर्वेद जो है वो भारत की परंपरा है, भारत की आत्मा है, और वो व्यक्ति जिसकी बात आप कर रहे हैं, हम लोग कितना खुश हो रहे हैं। मुझे तो दुख इस बात पे है कि जनता कितनी खुश हो रही है। तुम्हारा क्या ले गए वो बाबा रामदेव, तुम्हारा क्या ले गए? जनता खुश हो रही है कि लाला रामदेव को दिखा दिया औकात कोर्ट ने, तुम्हारा क्या, तुमने क्या जीत लिया उस पे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति जो भारतीय परंपराओं को, स्वदेशी परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है, वो देख रहे हैं रोज 5,000 लोगों को सामने खड़े होकर के लोग बताते हैं माइक पर कि मेरा रेमेटाइड अर्थराइटिस ठीक हो गया, लोग बता रहे हैं कि उनके ऑटोइम्यून डिजीज ठीक हो रही हैं, कैंसर लोगों का ठीक हो रहा है। बस ये है कि अभी रिसर्चेज नहीं हुई हैं उस पे। आज के 20 साल पहले, 50 साल पहले अगर आपको कोई कहता कि मोबाइल से वीडियो कॉल भी की जा सकती है, आपने सामने देख सकते हैं एक दूसरे को, मानते आप? नहीं मानते। लेकिन आज आप मानते हैं उस बात को। तो ऐसी रिसर्च की जरूरत है ना। आप ये कहिए कि आयुर्वेद में और रिसर्च की जरूरत है, मैं मानता हूँ। योग में और रिसर्च की जरूरत है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब आप विकिपीडिया खोल के देखिए, उस पर लिखा है कि ये स्यूडो साइंटिफिक है। विकिपीडिया एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उस पर लिखा हुआ है आयुर्वेद प्रैक्टिसेस जो हैं वो स्यूडो साइंटिफिक हैं। आप किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं? कोई आधार है आपका इस बात का? आप एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नाम के आगे इंडियन लगा लिया है उन्होंने, तो इससे लग रहा है कि ये सरकारी संस्था है, भारत सरकार उसके विरोध में। इंडियन लगा लेने से आप सरकारी संस्था और बहुत ऑथेंटिक नहीं हो जाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आयुर्वेद की ये लड़ाई है, ये एक हमको दिखाई दे रहा है, बहुत एक परसेप्शन आ रहा है लोगों के सामने कि एलोपैथ और आयुर्वेद में ये लड़ाई चल रही है। एलोपैथ आयुर्वेद की लड़ाई नहीं है, एलोपैथ और आयुर्वेद जो है ये साथ में चलने वाली पद्धतियां हैं। आयुर्वेद जो है वो जनक है, एलोपैथ उसके बाद जो है उसमें और मॉडिफिकेशन होकर के डेवलप हुआ है। एलोपैथ बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन ये सारी लड़ाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की और आयुर्वेद की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयुर्वेद को क्वैकरी कह रहा है। क्वैकरी का मतलब जानते हैं आप? फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, फ्रॉड। और हमको आपको शर्म नहीं आ रही है? आने वाले समय में आपको पता है क्या होने वाला है? आने वाले समय में ये जितनी भी योग की प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी आयुर्वेद की औषधियां हैं, ये सारी औषधियां अलग अलग नामों से विदेशों में, पश्चिमी देशों में पेटेंट हो जाएंगी, और आप बैठे रहिएगा इसी मिथ्या अहंकार को लेकर के कि आप सब कुछ हासिल कर लेंगे एक दिन। जितनी एक्सरसाइजेज आपकी हुआ करती, जो मार्जारी आसन है उसको कैट पोज के नाम से पेटेंट कर लिया गया है, कहते रहिएगा उसके बाद कि नहीं हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है मार्जारी आसन। जैसे आज हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण को लेकर के कि हमारे शास्त्रों में महर्षि कणाद ने कह दिया था, वैशेषिक दर्शन में कहते रहिए न्यूटन ने तो दे दिया, कौन मान रहा है आपकी बात को? ऐसे ही आने वाले समय में आपके सारे प्राणायाम को ब्रीदिंग प्रैक्टिस के नाम पर बेचा जा रहा है। बोल रहे हैं ना डॉक्टर्स को, आखिर प्राणायाम बोलने में क्या शर्म है? आप उसको प्राणायाम क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि प्राणायाम करने से आप स्वस्थ हो जाएंगे? आप कह रहे हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अगर आप प्राणायाम कह देंगे तो आपको पता क्या होगा? उससे ये होगा कि आयुर्वेद और योग की जीत हो जाएगी। और ये कैसे स्वीकार कर लें? तो सारी समस्या यहां आ रही है। बाबा रामदेव या एक भारत के संन्यास परंपरा के सर्वोच्च पर बैठा हुआ व्यक्ति, ये सारे न्यूज चैनलों पे आप देखते होंगे, अन्य धर्मों के जब अन्य पंथों के जो लोग होते हैं उनका नाम जब लेते हैं, जैसे एक कोरोना के समय में एक मौलाना साध था, उसका मतलब उसने आपराधिक कृत्य किया है, लेकिन एक भी न्यूज चैनल पे क्या किसी एंकर ने उसको ये कहा कि ये साध है? सब मौलाना साध, मौलाना साध, मौलाना बुखारी, सब मौलाना लगा रहे हो। अगर उनका पद है, मैं कह रहा हूं सम्मान दो, लेकिन जैसे ही स्वामी रामदेव की बात आती है, कितने न्यूज चैनल्स पे आपने देखा कि रामदेव को दिया कोर्ट ने झटका? रामदेव क्या है? भारत के संन्यास परंपरा का अपमान कर रहे हैं आप। कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है बाबा रामदेव ने। अगर स्वामी रामदेव इस देश की संन्यास परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनको सम्मान दें। आप क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम बहुत सहिष्णु हैं, हम ये सह लेते हैं कि हमारे सन्यासी का अपमान करो और हम सुनते रहेंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। तो समस्या की जड़ ये है।